आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। और ये क्लास स्पेशली टेंथ के लिए टारगेट किया गया इस क्लास को। सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री को हम ब्रेक करते हैं ट्री का मतलब हो गया थ्री, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मेट्रॉन इसका मतलब हो गया मेजरमेंट। थ्री मीन्स तीन, एंगल मीन्स कोण और मेजरमेंट मतलब मापना। इन तीनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये बनता है हमारा त्री, तीन का संस्कृत त्री, कोण और मापना का मिति। तो ऐसे हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के बनता है ट्रिगोनोमेट्री। तो अब सवाल ये आता है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री मैथ का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज में तीन कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अब वन बाई वन करके हम देखते हैं कि कैसे समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले देखेंगे अब कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड्स को किस तरह से हम बांटे हुए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का फर्स्ट लेटर एच से डिनोट किया जाता है। अब ये स्टूडेंट के सामने बहुत बड़ी एक समस्या सामने खड़ी होती है कि हम एंगल के बाद परपेंडिकुलर किसको डिसाइड करेंगे, बेस किसको डिसाइड करेंगे। तो अब यहां हम क्लियर करा देना चाहते हैं कि जिस किसी भी एंगल को लेना है सबसे पहले हम जो ट्रायंगल दिया है उसको नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट करने के बाद अब ये देखेंगे कि किस एंगल को लेना है। तो हमने इसको लिया तो इस एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया। थीटा से डिनोट करने के बाद जो एंगल के सामने वाला साइड होगा उसको हम लोग ऑपोजिट साइड बोलते हैं। अपोजिट साइड यानी कि अब स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो जाए कि जो थीटा हम लिए हुए यानी कि जिस एंगल का चर्चा हम कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाले साइड को हम लंब बोलेंगे। हालांकि अपोजिट साइड को हम हिंदी में सम्मुख भुजा बोलेंगे यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा के अपोजिट साइड को लंब बोलेंगे। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी। अब जो तीसरा साइड बच गया तीसरी साइड को हम यहां बेस बोलेंगे। हालांकि थीटा से सटा हुआ है इसलिए इसको हम लोग संलग्न भुजा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को आधार बोला जाएगा जिसको कि इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। बेस का फर्स्ट लेटर बी है इसलिए इसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब यहां हम त्रिकोणमिति में छह रिलेशनशिप देखते हैं। पहला जो होता है हमारा है साइन। साइन के बाद एंगल लिखा जाता है जो कि हम एंगल को नॉमिनेट नहीं करते हैं। स्टूडेंट अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां एंगल को नॉमिनेट करेंगे। तो साइन अक्सर यहां थीटा ए बी सी आते रहता है। तो साइन के लिए जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप हमारा होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स लंब एंड हाइपोटेनियस बाई कर्ण। ये हमारा साइन का रिलेशनशिप हुआ। अब यहां हम दूसरा देखेंगे कॉस। कॉस का रिलेशनशिप होगा बी बाई एच यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बट्टा कर्ण। तीसरा रिलेशनशिप होगा टैन, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बट्टा कर्ण। अब स्टूडेंट्स
जिनको ये तीन फॉर्मूला याद हो गए वो आगे का तीन फॉर्मूला इजिली याद कर सकते हैं। यहां जो होगा साइन का उल्टा यानी कि रिसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक हुआ करता है, टैन का उल्टा कॉट हुआ करता है। तो तीन फॉर्मूला हमको याद हो गए, तो इस तीन फॉर्मूला से हम आगे का तीन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी कि अब हम बात करें कॉसेक, कॉसेक के लिए ये उल्टा हो जाएगा एच बाई पी यानी कि कर्ण बट्टा लंब, सेक सेक के लिए हो जाएगा एच बाई बी यानी कि कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार कॉट होगा, कॉट के लिए हो जाएगा हमारा बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर आधार बट्टा लंब। इस तरह से ये बेसिक फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज हुआ करते हैं ये छह फॉर्मूला है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगले वीडियो में हम बाकी फॉर्मूला को देखेंगे जिसमें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 करके जो रिलेशनशिप आता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।